Good morning to all my students of class 11 science. Now chapter number 2, which is going on relation function, and in this chapter we already discussed a lot of concepts like ordered pair, after that Cartesian product from set A to set B, and after that number of total ordered pair in Cartesian product of set A to set B will be equals to the number of element in set A into number of element in set B. Clear? So after that we discuss a lot of question regarding to the equal ordered pair. Equal ordered pair में क्या होता है कि आपको इस तरह से pair दे दिया जाएगा इधर भी और उधर भी, जैसे कि भाई x plus y और x plus 2y, या फिर बोल देंगे 3x plus 2y और उधर दे देंगे 5, 7, और आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए कितना x वेरिएबल है और कितना y वेरिएबल है. ठीक है, ये कंसेप्ट था इक्वल ऑर्डर्ड पेयर. तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की कोरस्पोंडिंग से, जो कोमे से पहले है उनकी हम कंपेयर करेंगे, जो कोमे के बाद में है उनकी हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, सो x प्लस y इक्वल्स टू 5, दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन. आफ्टर दिस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, this is second equation, and our main aim is find the value of x and y with the help of elimination method. हमें यहाँ पे method use करना है elimination, और निकालनी है x और y variable की value. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैं अब variable y कर रहा हूँ eliminate. So to eliminate a y variable, we have to make equal coefficient of y variable. In first equation, coefficient of y is 1, and equation number 2, coefficient of y is 2. So LCM of 2 and 1 will be 2. तो हम यहाँ बनाएंगे फिर 2. अभी कितना यहाँ पे 1. So we have to multiply equation 1 by 2. तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2. वी है तो ये बन जाएगा 2x plus 2y plus 2, 10. दिस इज थर्ड इक्वेशन. इसके बाद लिखेंगे आप 3x plus 2y plus 2, 7. दिस इज सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि चेंज जो हुआ है वो केवल फर्स्ट में हुआ है, सेकंड में कोई नहीं चेंज नहीं हुआ, सेकंड रही एज इट इज. फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया आपने 2 से तो वो हो गया 2x plus 2y plus 2, 10. उसके बाद साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा, 2x पॉजिटिव 3x नेगेटिव तो बचेगा माइनस एक्स, और इधर आएगा मेरे पास में 10 में जाएगा माइनस 7 तो बचेगा 3. So value of x is minus 3. अब ये x की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस में. फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y प्लस टू 5. तो रखिए x की वैल्यू लिखना पड़ेगा, इससे पहले लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x into equation first. Equation first में हम रख रहे हैं x की value. So minus 3 plus y plus 2 5. So y plus 2 5 plus 3 result is 8. So in this way value of x is minus 3 and value of y is 8. तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. चलिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन.
जैसे वो बोलेंगे आपसे कि 0.2x प्लस 0.4y कोमा 0.6x प्लस 0.9y और एक बस टू 0.5 0.3 ऐसे दे देंगे आपको पेयर, ठीक है। और आपको यहां पे निकालना होगा x और y की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सबसे पहले हम कंपेयर कर देंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ में, जो कोमे से पहले है उसको करेंगे हम कोमे से पहले से ही कंपेयर। मीन्स जो उनका पर्टिकुलर पोजीशन है उस पोजीशन को आप उसी के साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे मुझे मिलेगा 0.2x प्लस 0.4y इक्वल्स टू 0.5। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 0.6x प्लस 0.9y इक्वल्स टू 0.3। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास में आ चुकी हैं दो इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना थोड़ा आसान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे डेसिमल आ रही है 0.2 0.4 0.5 इस तरह से। तो पहले हम डेसिमल को हटाएंगे। हटाने का सिर्फ एक ही रूल है कि हम इन दोनों इक्वेशन में पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल हट जाएगा। तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 बाय 10। दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेसिमल को हटाना है। तो चलिए 0.2 बन जाएगा फिर 2, 0.4 बन जाएगा 4, 0.5 बन जाएगा 5, उसके बाद 0.6 बन जाएगा 6, 0.9 बन जाएगा 9, 0.3 बन जाएगा 3। सो दिस इज थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहां तक आप सब आ जाएंगे। अब हम वेरिएबल करेंगे एलिमिनेट। मेथड इज एलिमिनेशन। अब देखो ध्यान से, मुझे करना है फिलहाल वाई वेरिएबल को एलिमिनेट। इधर 4 है कोफिशियंट, इधर 9 है, तो 4 और 9 का ले लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम आएगा 36, ठीक है। तो 36 बनाएंगे आप यहां पे थर्ड इक्वेशन में, और 36 ही बनाएंगे आप फोर्थ इक्वेशन में। यहां पे 36 कैसे बनेगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। यहां पे 36 कैसे बनेगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 9 एंड इक्वेशन फोर्थ बाय 4, ठीक है। थर्ड को मल्टीप्लाई कर रही है 9 से, फोर्थ को मल्टीप्लाई कर रही है 4 से। तो मैं इधर लिखता हूं, ये मेरे पास बनेगा 18x, उसके बाद 36y और ये 45। उसके बाद में आते हैं फोर्थ इक्वेशन पे, 4 6 24x, 4 9 36y और ये बनेगा 4 3 12। अब इन दोनों को हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है, वी वांट टू एलिमिनेट वाई वेरिएबल, उसके कोफिशियंट अभी 36 36 पॉजिटिव है और हमें करना है एलिमिनेट। एलिमिनेट मीन्स हमें काटना है उनको, दोनों को कट करना है आपस में। तो कटेंगे कब? जब उनका साइन अपोजिट होगा। एक उतना ही पॉजिटिव हो तो दूसरा उतना ही निगेटिव होना चाहिए। तो हम यहां पे नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव
नेगेटिव ये कट जाएगा. सो वी हैव माइनस सिक्स एक्स इक्वल्स टू दिस. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 33 माइनस 33 अपॉन 6 एंड इट विल बी माइनस 11 अपॉन 2. अब ये एक्स की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में, तो लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इनटू इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड मेरे पास में है 2x प्लस 4y प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 11 अपॉन 2 प्लस 4y प्लस 5. सो माइनस 11 प्लस 4y प्लस 5, सो 4y प्लस 16 एंड दिस इंप्लाइज y प्लस 4. सो इन दिस वे Finally, we have a value of x as well as variable y. Value of x variable is minus 11 upon 2 and value of y variable is 4. तो चलिए इससे आगे चलते हैं. चलिए आगे चलते हैं. लेट अस कंसीडर अ न्यू सिचुएशन इन दिस कंसेप्ट. सपोज वी हैव अ ऑर्डर पेयर लाइक दिस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई कोमा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई एंड हियर वी हैव 2 5. सो दिस इज प्रॉब्लम एंड आवर मेन एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल एज वेल एज वाई वेरिएबल. So, whenever these two pair is equal to each other, then we can compare the corresponding element. And finally, we have root x plus root y plus 2. This is your first equation in two variable x and y. Second is under root x minus under root y plus 5. This is your second equation in two variable x and y. And we want to hear find the value of x and y. So here we want to use a method elimination of class 10th. Clear? चलिए discuss करते हैं इसको. तो यहां पे इन दोनों equation को मैं फिलहाल add कर रहा हूं. क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसके एक reason है कि जो मेरे पास y variable है उसका coefficient दोनों में ही 1 1 1 है. इधर वन पॉजिटिव है इधर वन निगेटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कट जाएगा. एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फर्स्ट वेरिएबल एक्स विच विल बी 2 टाइम ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 7 एंड रूट एक्स इक्वल्स टू 7 अपॉन 2. इट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स नॉट अ एक्स. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड. सो आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड वी हैव एक्स इक्वल्स टू 49 अपॉन 4 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एक्स टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल वाई. वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन टू फर्स्ट इक्वेशन. सो वी हैव टू राइट डाउन दैट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टू equation 1. So after putting this value of x into equation 1, which is under root of x plus under root of y plus 2, now replace the value of variable x from this. So after replacing the value of x into this, we have under root of 49 upon 4 plus under root y plus 2. So 7 upon 2 plus under root y plus 2, and we want to find out the value of only a variable y. So root y plus 2 minus 7 upon 2. Now take out the LCM of these two fractions, and LCM of these two fractions is 2. So 2 are 4 minus 7. This is the value of under root y, not a y, but we want to find out the value of y variable.
So to remove the square root, squaring on the both side. So root y plus 2 minus 3 upon 2 and y plus 2 9 upon 4. Y after squaring on the both side. Clear? Negative से बन गया positive, 3 का square हो गया 9, 2 का square हो गया 4. Clear? तो इस तरह से हमने x variable as well as y variable दोनों की ही values को find किया है. Clear? So, इस concept को आपने समझ भी लिया होगा, ठीक है, अच्छी तरह से. चलिए अब हम discuss करते हैं यहाँ पे next. Let us consider a new case in which 2 upon x plus 4 upon y comma 6 upon x plus 7 upon y equals to 3 upon 5 comma 4, and our main aim is to find the value of these two variables x as well as y. क्लियर, हमें x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर द कोरस्पोंडिंग पार्ट टू कोरस्पोंडिंग. सो आफ्टर द कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव 2 अपॉन x प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 3 अपॉन 5. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देन 6 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y प्लस 2 4. This is our second equation in two variable x and y. Clear? अब जरा क्लास 10th में जाइए, वहां आपने इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा था. आपको याद होगा हम 1 upon x और 1 upon y को वहां पे u और v assume क्या करते थे. So let us assume again 1 upon x as a u and 1 upon y as a v to convert these equation into a simplest form. And remember always u and v is only a mediator for a few time. Clear? Chaliye, let us consider 1 upon x equals to u and 1 upon y equals to v. And remember always these are only mediator to find out the value of x and y. These mediator will help us to find the value of x and y. Clear? चलिए, so equation first will convert into a simplest form like this, 2u plus 4v equals to 3 upon 5. And equation second will convert into 6u plus 7v equals to 4. And this is fourth equation. Now we will use elimination method to find the value of u and v. Clear? So we want to eliminate u variable. So coefficient of u in first equation is 2 and coefficient of u in fourth equation is 6, and LCM of 2 and 6 will be 6. So we have to multiply third equation by 3. थर्ड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से, क्योंकि हमें करना है यू वेरिएबल को एलिमिनेट. तो लिखना पड़ेगा इसके लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3. सो फाइनली वी हैव 6u प्लस 12 टाइम ऑफ v इक्वल्स टू 9 अपॉन 5. दिस इज फिफ्थ इक्वेशन. And remaining fourth equation is 6u plus 7v equals to 4. Change this second equation. Sign change कीजिए उसके फटाफट. Minus 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 u कट जाएगा.
12 time V positive but 7 time V negative. So we have 5 time positive. We have 5 V equals to 9 upon 5 minus 4. तो यहां पे एलसीएम बनेगा 5, सो 9 माइनस 5 इंटू 4 20, 5 4 जा 20, सो 5 v इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन 5 एंड वैल्यू ऑफ v इज माइनस 11 अपॉन 25. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मेडिएटर v वेरिएबल, बट वी आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मेडिएटर u. So to find the value of variable u, we have to replace this value of v into third equation. So we have to write down, put the value of v into equation third. So 2u plus 4 time of v, but v is minus 11 upon 25 equals to 3 upon 5. So 2u equals to 3 upon 5 plus 44 upon 25. LCM of these two fractions will be 25. So 5 into 5, 25 hota hai. So 5 into 3 means 15 plus 44. So 2 time of u equals to 59 upon 25 and value of u variable is 59 upon 50. So in this way we have the value of mediator u and v, but our main aim is x and y. So with the help of u and v, we can find the value of x and y. जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, मुझे रफ करना पड़ेगा ये. सो टेक आउट द स्क्रीनशॉट. वन अपॉन x इक्वल्स टू u एंड वन अपॉन y इक्वल्स टू v. So replace the value of u, which is 1 upon x equals to 59 upon 50. So in this way, value of x variable is 50 upon 59. In similar way, 1 upon y equals to v, but v is minus 11 upon 25. And in this way, value of y is minus 25 upon 11. So finally, we have the value of both variable, x as well as y. Value of x variable is 50 upon 59 and value of y variable is minus 25 upon 11. Clear? So you can observe in this question, we use a concept of class 10th. Clear? Class 10th में आपने क्वेश्चन पढ़े थे and chapter was chapter number 3, linear equation in two variable, और वहां आपने discuss किए थे 4 methods for the solution of linear equation, in which first method was graphical, second method was substitution method, third method was elimination, and last method was cross multiplication. But 99% we will use elimination method to find the value of variable, because it is more easier comparative to remaining methods. Clear? Now we will discuss the next question. And question is,
1 upon root x plus 2 upon root y comma 5 upon root x plus 2 upon root y equals to 5 comma 4. And our main aim is to find the value of variable x and y both. So first of all, we have to compare the corresponding part. Means 1 upon root x plus 2 upon root y equals to 5. This is first equation. क्योंकि मैंने कंपेयर किया है. After the comparison, we have first equation. And second with second. So 5 upon root x plus 3 upon root y plus 2 4. This is second equation. ठीक है. अब आप यहां पे क्या करेंगे, 1 upon root x को u, 1 upon root y को v assume करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि जिससे हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, वहां से हमें u और v मिल जाएगा. फिर u और v जितना भी आएगा उसको ला करके हम यहां पे रख देंगे, दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड. तो यहां से x और y वेरिएबल आ जाएगा. ठीक है. तो चलिए आइए जरा, तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी u plus 2v equals to 5. This is third equation. Second equation हो जाएगी convert 5u plus 3v equals to 4. अब आप यहां पे जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, सपोज आप चाह रहे हैं कि भाई हम कर दें u को एलिमिनेट, तो कोफिशियंट सेम कीजिए. थर्ड इक्वेशन में कोफिशियंट 1 है, फोर्थ में 5 है, तो 5 5 कर लीजिए दोनों में सेम. कोफिशियंट ऑफ वी थर्ड इक्वेशन में 2 है, फोर्थ इक्वेशन में 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6. ठीक है. तो 6 कैसे बनेगा, जो थर्ड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तब जाके बनेगा 6v 6v. तो इस तरह से करना है. ठीक है, इसको आप कर लेंगे अपने आप, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यदि अभी तक पढ़ाए गए कंसेप्ट में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस जरूर करें मेरे साथ में, उस प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें, उसको स्किप ना करें. हो सकता है कि वो एग्जाम में आ जाए, फिर आप उसको कैसे अटेंड करेंगे. क्लियर. सो सबसे पहले आप यहां पे वेरिएबल यू या फिर वेरिएबल वी करेंगे एलिमिनेट, यू वी की वैल्यू को निकालेंगे. जब u और v की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट वाई के बराबर रख करके आप वहां से x y निकाल लेंगे, और इस तरह से ही आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा. क्लियर. चलिए बाकी डिस्कस करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में.